नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ब बेसिस। मैं आपको बेसिस से इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर जो बेसिक से अगर पढ़ोगे आप इंग्लिश को तो ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। पहले मैं बता दूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसकी मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहूँगा। आप अगर कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको बड़ी क्लिप्स चाहिए हो तो। पहले मैं बताना चाहूँगा, एनी वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन और स्टेट इज वर्ब। वर्ड डेट डिनोट, इससे आप डायरेक्ट रिफर कर सकते हैं कि वर्ब की जो स्टेट है वो क्या है ना। हेंस वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड, स्टेट वर्ड। इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि वर्ब जो है वो वर्ब को क्या क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड जो होता है और स्टेट वर्ब वो होता है। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, वर्ब एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दो टाइप्स की होती है वर्ब, उसको डिफरेंशिएट कर रखा है, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें से जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें दो टाइप्स के हैं, मॉडल्स और प्राइमरीली एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स जो है उसमें डायरेक्ट दे रखा है कि डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे एक्सेट्रा। नोट भी दे रखा है इंपॉर्टेंट, वो है नीड, डेयर एंड यूज टू एक्ट एज मार्जिनल पार्शियल auxiliary verb. Need and dare acts as both main verb and model, while using to act as both model and adjective. Okay? इससे आप समझ गए होंगे। प्राइमरी auxiliary verb जो है उसमें be, do, have है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ कि इसमें दे रखा है कि they act as both helping verb and main verb, मतलब ये helping verb भी है और main verb भी है। ये direct differentiate कर रखा है इसके अंदर, इसमें लिख रखा है। मेन वर्ब जो है उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा। इसमें दे रखा है द वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्ट और ऑकरेंस, इफ अ हेल्पिंग वर्ब कम विद मेन वर्ब द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द मेन वर्ब। इसमें जो फाइनल आपने जो लिसन अभी जब आपने सुना था उसमें लिख रखा था हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आएगी, बिफोर आएगी। ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रखा था। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।